सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसके पहले मेरी ट्रेनिंग क्लास थी सर्ट्स एंड इंडिसेस का, 20-25 मिनट की वीडियो होगी, जो भी बच्चा नहीं देखा है फटाफट उसको देख लो, ठीक है, फिर ये देखना, ठीक है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसको पहले देख लो फिर ये देखना। और जो बच्चे देखें फटाफट हमारे साथ क्या करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, क्योंकि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का क्या करूँगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पूरा देखा करो वीडियो, ताकि अच्छे से समझ में आए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ 8 to the power x + 1 = 64 देन 3 to the power 2x + 1 हाउ मच। ओके, हिंदी वाले भी कोई दिक्कत नहीं समझ सकते हो, मैथी है, यानी कह रहा है पहला क्वेश्चन समझते हम लोग, 8 to the power x + 1 = 64 दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब 8 to the power x + 1 = क्या लिख सकते हैं, 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 + 64। अब देखो बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल दिखा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 = 2, तो x = क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो x = क्या हो जाएगा बेटा, 1। x = क्या हो जाएगा, 1। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन दिस डिजिट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमें पूछ रहा है 3 to the power 2x + 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यानी 3 2 × x की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 = 3, यानी 3 to the power 3 कितना हो जाएगा, 27। पहले का आंसर कितना आया, 27। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को, पहले का आंसर कितना आया, 27। चलो कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं आई, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना हमें, इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 4 to the power 2.3 × 2 to the power 2.3 × 8 to the power 1.7, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, आराम से कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन देख लो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है, यानी 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 और 2.3, और इसको तो ऐसे ही रहने दो। हमें क्या करना, सबका बेस क्या करना, 2 बना लेना है, सबका बेस 2 बना लेना, ताकि पावर आराम से क्या हो जाए, ऐड हो जाए, यही तो लॉज ऑफ इंडिसेस कहती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग क्लास जरूर देख लो। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी 2 to the power 3 to the power 1.7। अब देखो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या होंगे मल्टीप्लाई, 2 to the power 2 × 2.3, अभी पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, × 2 to the power 2.3 है ही है, × 2 to the power कितना हो जाएगा, 3 × 1.7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या हो जाएगा, 2 to the power 4.6 हो जाएगा, 2.3 × 2 कितना हो जाएगा, 4.6, इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 2.3 तो है ही है, × 2 to the power 5.1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 17 × 3 = 51, ये क्लियर हुआ। अब देखो बेस सेम, अब क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 2 to the power 4.6 + 2.3 + 5.1, इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा 4, 2, 6, 5, 11 और कुल मिला के 1, 12, यानी 2 to the power 12 हमारा, 2 to the power 12 हमारा क्या आया, सेकंड का आंसर आया। इसको सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 4096, ये चीज़ें हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिखते रहो, क्वेश्चन में कहीं से दिक्कत आती है आप हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई करूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे मैसेज आते हैं तो व्हाट्सएप पर रिप्लाई सबका नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ 3 to the power n रूट में 81 है तो n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या होगी, लॉज ऑफ सर्ट्स हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताए थे, अगर यहाँ पे n है, a है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 8 to the power 1/n लिख सकते हैं इसको,
एन रूट ए है तो क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर वन बाई एन। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, थ्री टू द पावर एन वन बाई टू, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है, ठीक है, इज इक्वल टू 81। इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग क्लास एक बार जाके देख लो, लॉज ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेज मैंने बड़ा अच्छे से बताया, ठीक है, उसको जाके जरूर देख लो। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री टू द पावर एन बाई टू इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसका बेस तीन है तो इसका भी बेस तीन कर दें और पावर को इक्वल दिखा दें। तो क्या थ्री टू द पावर कितना हो जाएगा, थ्री थ्री नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री जा यानी थ्री टू जार फोर हो जाएगा 81, ठीक है। तब क्या कर देंगे, एन बाई टू पावर्स इक्वल दिखा दो, एन बाई टू इक्वल टू फोर, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तीसरे का आंसर कितना आ गया, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 8, एन की वैल्यू कितनी आ गई 8। कोई किसी को दिक्कत, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ट्रेनिंग क्लास का, जिसमें मैंने लॉज ऑफ इंडिसेज और सॉर्ट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, तो उसको जा कर के ज़रूर पढ़ना, उसको जा कर के ज़रूर पढ़ना, तब ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करना हमें, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या है, वन अपॉन वन प्लस, केवल आइडेंटिटी लॉज आपको याद होनी चाहिए, ए टू द पावर एन माइनस एम प्लस वन अपॉन वन प्लस ए टू द पावर एम माइनस एन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें हर जगह आइडेंटिटी लगानी है, हमें हर जगह रूल का फॉलो करना है, ट्रेनिंग क्लास अटेंड करो फटाफट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन को ऐसे ही रहने दो। अब ये क्या है, माइनस में है, तो मैंने कल बताया था अगर ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम है तो उसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एन माइनस एम, यानी कि ए टू द पावर एन माइनस एम को क्या लिख सकते हैं, हम उसको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से हम चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा तभी हमारा कैलकुलेशन हो पाएगा, यानी कि ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन हो जाएगा। अब ये वाला तो आप सॉल्व कर लोगे, फ्रैक्शन तो सॉल्व करने आता है आप लोगों को, ये कर लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में बड़ा दिमाग लगाना है, इसको सॉल्व करने में दिमाग क्या लगाना है कि हमें फोकस करना है भाई क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमें कैसे चेंजेज करने हैं, यानी कौन सा रूल लगाना है, कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लगाना है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये क्या हो जाएगा, ए एन और ए एन प्लस ए एम, ये चीज़ हो गया। अब इसको हम चाहें सॉल्व कर लें, ये चीज़ समझ में, इसको हमने सॉल्व करके ये कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम में ये बचेगा, सॉरी हाँ हाँ, नीचे एलसीएम दोनों का लोगे तो यही मिलेगा, ये या ये, फिर दोनों बात बराबर हैं, दो तीन जोड़ो या फिर तीन दो जोड़ो, दोनों को पाँच ही आना, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, देख लो हमारा एलसीएम ए एन प्लस ए एम आ जाएगा, ठीक है, या फिर ए एम प्लस ए एन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर क्या बच जाएगा, ए एम प्लस ए एन, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब ये कट पीट के क्या आ जाएंगी, सबका मालिक एक, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। ये चीज़ें हैं, आराम से हो गया। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। वीडियो कैसे लिए कमेंट करके बताया करो यार, ठीक है, कि कहाँ पे कोई दिक्कत आया कि नहीं आया, पूरा अच्छे से हो गया, फिर कहाँ पे दिक्कत आई है, सारी चीज़ आप डिस्कस करो हमसे, कमेंट में देखता हूँ सबका, कौन क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आया, फिर कोई दिक्कत आई है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन कहते हैं, पांचवा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, थ्री एम स्क्वायर
थ्री एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री एम थ्री टू द पावर एम पे पावर टू और टोटल पे पावर कितना वन बाई एम इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो हमें एन एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगाएंगे, देखिए डिवाइड में है तो क्या करेंगे, यानी कि इतना थ्री टू द पावर एम स्क्वायर माइनस टू एम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, यानी हम क्या लिख सकते हैं थ्री टू द पावर एम स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा टू एम, यानी m इंटू टू पावर से हम मल्टीप्लाई होंगे, यानी क्या हो जाएगा टू एम टू द पावर वन अपॉन m इज इक्वल टू 81। क्लियर हो रहा है? देखो मैंने एक स्टेप स्किप किया है, क्या स्किप किया है, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं थ्री एम स्क्वायर अपॉन थ्री एम स्क्वायर अपॉन थ्री एम स्क्वायर थ्री टू द पावर एम का होल स्क्वायर, यानी ये लिख सकते हैं। हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, डिवाइड में यानी कि पावर माइनस में होंगे, यानी एम स्क्वायर माइनस टू एम क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू एम टू द पावर वन बाई एम। अब इसको अगला स्टेप करें तो क्या कर सकते हैं, अब देखो ये पावर्स क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, ये पावर सब हैं तो क्या करेंगे ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा थ्री टू द पावर एम स्क्वायर माइनस टू एम इंटू वन बाई एम इज इक्वल टू 81। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब चाहें तो हम लोग क्या करें यहाँ पे m कॉमन ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग m कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा m माइनस टू बच जाएगा इंटू वन अपॉन m, m से m कैंसिल हुआ, ठीक है, क्या बचा अब एट, हाँ चलो यानी थ्री टू द पावर m माइनस टू बचा इज इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हैं थ्री टू द पावर फोर लिख सकते हैं, थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन थ्री जा 81 यानी थ्री टू द पावर फोर। अब देखो अब बेस से मैं तो पावर को इक्वल दिखा दूँ, यानी हम क्या अगला स्टेप क्या करेंगे यम माइनस टू इज इक्वल टू फोर, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब टू माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा सिक्स आ जाएगी। ये रहे हमारे पाँच क्वेश्चन और बहुत ही ईजी वन मैंने समझाया है, तो जा करके पूरा ट्रेनिंग क्लास अटेंड करो फिर ये वीडियो देखो एक बार और, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट लेके मैं आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू सो मच।